मंगोटी मोड़ वाले तो इन सभी भाइयों ने गान भेजा है। देखो भाइयों बहनों, अब समय नजदीक आता जा रहा है। समाचार मिला है कि अभी कुछ समय बाकी है रावण को तीर लगाने में और पुतला जलाने में, तो क्यों ना थोड़ा और मनोरंजन आपका किया जाए। तो लीजिए, अब आपके सामने प्रस्तुति है। अगर हो सके पंजाबी तो मजा आ जाए कार्यक्रम का, हो सके हिंदी तो उससे और भी ज्यादा मजा आ जाए। तो लीजिए, हमारे ये भी बड़े अच्छे कलाकार हैं, स्वर भी अच्छे हैं। ऑलराउंडर का लगा रहे हैं, लीजिए। Thank you.
Yeah.
संगीत था तो बेटी ने आपके सामने प्रस्तुत किया। तो भाइयों बहनों ये 101 रुपया श्री विजय कुमार जी। दूसरा अभी रावण की सेना थोड़ा शांत रहे, आपका नंबर लगने वाला है। 101 रुपए का दान विजय कुमार सूर की सूची वालों ने भेजा है। मैं आपकी ओर से उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। भाइयों बहनों अभी समय कम है, कार्यक्रम बहुत से हैं। मैं इसी बीच आमंत्रित करने जा रहा हूँ हमारे क्लब के सह कोषाध्यक्ष जी श्री कुलभूषण अत्री साहब, कृपया मंच पर शीघ्र आए और आए हुए मेहमानों का धन्यवाद करें, जनता का धन्यवाद करें। कुलभूषण अत्री साहब हेलो, सभी बोलेंगे जय श्री राम। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि दशहरा क्या है, दशहरा अधर्म की धर्म पर जीत का एक प्रतीक है, उसे दशहरा कहते हैं। भगवान राम जी ने सीता माता को प्राप्त करने के लिए कितने राक्षसों को मारा, एक सती धर्म सीता माता ने निभाया, तो ये सब दशहरे में इसकी गिनती होती है। ये विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। साथ ही आज हमारे बीच में आए मुख्य अतिथि एवी अग्रवाल जी का मैं तहे से किसान ड्रामेटिक क्लब की ओर से, सभी सदस्यों की ओर से धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतनी बड़ी धनराशि हमारे क्लब को दी। आने वाले समय में हम इस क्लब को काफी आगे तक ले जाएंगे। इस साल हम अच्छी व्यवस्था नहीं बना सके, हमें बहुत दिक्कतें आई। हमारे पास रामलीला करने को स्टेज करने का हमने बहुत कोशिश करते, ये किसी से बिल्डिंग बन रही है, इसका डॉक्टर साहब एक काम चल रहा है, हमारा स्टेज सामने होता था, किसी कारणवश तो टूट गया। हमने बड़े मेहनत करके बारिशों में इसका सामना करके स्टेज बनाया और रामलीला का जो ऑर्गेनाइज था ये प्रोग्राम डॉक्टर साहब 14 दिन का है, हमारे लिए प्रोग्राम कम से कम 1.5 महीने का हो जाता है। सभी लोगों ने, सभी कलाकारों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, सभी निस्वार्थ भाव से यहाँ पे काम करते हैं। डॉक्टर साहब आपकी बहुत सी तारीफें हमारे टेक्सन भाई साहब ने बताई है कि जो ये सम्राट वाला रोड है ये डॉक्टर साहब ने ही खुलवाया है, इसके लिए भी इनके लिए बहुत बड़ी तालियां हो जाए। इतना बड़ा समाज सेवी मेरे हिसाब से अभी तक यहाँ पे कोई नहीं आया है कि जिसने गांव, हमारे गांव के लिए, हमारे कस्बे के लिए, हमारी पंचायत के लिए हमारे रोड खुलवा दिया, इतनी बड़ी डिजास्टर हुई उसमें इन्होंने बहुत बड़े योगदान दिया। तो मैं साथ ही टेकचंद भाई साहब का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ऐसे अच्छे शख्स को हमारे स्टेज पर बुलाया। टेकचंद भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना बड़ा एफर्ट किया, हमारे स्टेज को इतना बड़ा अमाउंट बनाया, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर साहब आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आपने हमें इतनी बड़ी धनराशि दी। साथ ही यहाँ पे जितने भी कलाकारों ने काम किया, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, सबने बहुत ही अच्छी तरह से अपना अपना अभिनय निभाया। बहुत ही कमियां रह गई, हमने नोटिस किया है, बिकॉज हम उनपे टाइम नहीं दे पाए क्योंकि स्टेज की व्यवस्था नहीं बन पाई। साथ ही बारिश ने भी हमारे को बहुत काम करने को रोका, यहाँ बैठने के लिए हमारे लोकल लोग नहीं आ पाए, बैठने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। भगवान का आशीर्वाद रहा तो अगले साल हम बहुत अच्छी व्यवस्था करेंगे कि अभी हमारा प्रपोजल चला है कि भविष्य में हम कहीं स्टेज बनाएंगे जिससे हम कम से कम 500-600 लोग वहाँ बिठा पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने हमारा सहयोग दिया, आप लोग आए, जो छोटे बच्चे बड़े लोग कोई भी अभिनय करना चाहे वो भी आए, चाहते हैं जो 65 साल से हमारा प्रोग्राम चला हुआ है, किसी विद्वान आदमी ने ये काम शुरू किया होगा, वो भी देवता पुण्य ही होंगे जिन्होंने ये काम किया, शुरू किया होगा, क्योंकि किसी भी कार्य को शुरू करना बहुत बड़ी बात होती है और उसे उस परंपरा को आगे बढ़ाते रह जाना वो भी बहुत बड़ी बात है। बच्चे आए, माँ बाप उन्हें भेजे, इस संस्कृति से जोड़े, तभी ये स्टेज आगे चल पाएगा। अभी हमारे कितने बुजुर्गों ने यहाँ काम किया, जैसे कि भाई साहब बता रहे थे कि 55 साल उन्हें भी हो गए, तो ये बहुत बड़ी बात है कि 55 साल से वो यहाँ पे खड़े हैं, कोई छोटी बात नहीं है। तो मैं सभी से आग्रह भी करता हूँ, निवेदन भी करता हूँ कि बुजुर्ग लोग इस स्टेज से जुड़े,
और ये कार्य मतलब कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल तक है। मैं हमारे टाइम में जब हम छोटे होते थे यही बैठा करते थे, हमने भी बंदर का रोल किया है। भगवान के आशीर्वाद से हमने भी मेरे भाई मैंने और मेरे छोटे भाई ने विवेक अग्नि ने भगवान राम का लक्ष्मण का रोल 14 साल किया है। तो भगवान का बहुत आशीर्वाद मिला हमें, हमें तो कोई भगवान की कृपा से कोई कमी नहीं है। सभी दिल लगा के एक और करना है ना, मेहनत से करें, ये नहीं कि फॉर्मेलिटी करके जैसा कि होता है यार एक रोने कर देते हैं खत्म। करें, दर्शकों को दिखाए असली का भावना क्या रोल में, शब्दों का मीनिंग क्या है। आप लोगों को मीनिंग समझ आए तभी आप देखोगे नहीं यार अच्छी रामलीला हो। तो मैं भविष्य में चाहता हूँ कि आप लोग भी हमारा सहयोग दें, आप लोग भी अधिक से अधिक संख्या में आए ताकि जो कलाकार उनका भी हौसला बढ़ जाए। तो मैं ज्यादा ना कहता हूँ, अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। साथ में जिन्होंने हमारा देश के निचले से बाहर से भी बहुत से व्यक्तियों ने हमारा बहुत साथ दिया। मैं स्पेशली मेहता जी का भी धन्यवाद करता हूँ, विनय मेहता जी का, कि उन्होंने बड़ा सहयोग दिया। उन्हें बड़ी चिंता रहती थी यार भूषण आ गया तरपाल में पानी भर गया फूटना चाहते, तो वो जबकि उनको पेन रहती थी कामयाब नहीं है। तो बाहर से बहुत से लोग थे, इतना मैं सभी का नाम नहीं ले पाऊंगा। साथ में मेरे भाई धर्मेंद्र जी स्पेशल इंग्लैंड से आया है कि नहीं नहीं भाई मैंने जाना तो भाई चलो मैं पोस्टपोन कर देता हूँ अपनी टिकट। वो रुके, उन्होंने प्रॉम्प्टिंग करी, फिर पर्चे के टिकट वाले बहुत से कलाकार हैं स्पेशली नवीन, थैंक यू। मैंने पहली बार ही देखा है कि किसने इतना अच्छा काम किया पर्चे के, मुझे भी काफी साल हो गए। तो सभी का धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। एक बार जोर से बोलो श्री रामचंद्र भगवान की श्री कानू जी महाराज की, थैंक यू, धन्यवाद। कुलभूषण जी बड़े सही शब्दों में इन्होंने हर एक का वर्णन किया, हर एक को सराहा, तो बड़ा अच्छा लगा और अच्छा लगता भी है। जो प्रभु रामचंद्र जी इस समय रोल कर रहे हैं, जब ये 4 साल के थे आज ये जो रोल कर रहे हैं, ध्रुव जी ये मेरी गाड़ी में आते थे, मैं इनको गोद में बैठा के लेके आता था ये स्कूल के लिए। उस समय मैं भी स्कूल के लिए बैग लाई हुई थी। तो आज ये जो रामचंद्र जी का रोल कर रहे हैं और बड़ा अच्छा इन्होंने रोल किया है, तो बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे अच्छे अच्छे लड़के आगे आ रहे हैं और अच्छा अच्छा अभिनय कर रहे हैं। लक्ष्मण जी ने बड़ा अच्छा रोल किया, इनको भी ये रोल पहली बार ही मिला था, तो सभी ने बड़ा अच्छा कार्यक्रम इस मंच पे दिखाया है। सभी बधाई के पात्र हैं, भगवान को ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ये प्रभु सभी की झोलियों को भरना, सभी को आशीर्वाद देना, सभी के घर में सुख शांति रखना। सबसे बड़ी जो चीज है वो आपकी प्यार और घर में सुख शांति, जहाँ पर है वहाँ स्वर्ग है। तो आज भी यहाँ स्वर्ग नजर आ रहा है। भाइयों बहनों, इतना अच्छा कार्यक्रम पिछले 4-5 सालों में नहीं हुआ था जो कि इस वर्ष हुआ है। बड़ा आनंद आया है, बड़े अच्छे अच्छे मेहमान यहाँ हमारे बीच में आए हैं। इन 13-14 दिनों में हम सभी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। साथ ही हम धन्यवाद करते हैं अपना पुलिस विभाग का, पुलिस डिपार्टमेंट धर्मपुर, पुलिस डिपार्टमेंट परमाणु, जो कि हर समय यहाँ चक्कर लगाते रहते थे किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, कोई घटना ना घटे। हमारे मेहमान बैठे रहेंगे यहाँ पर, यही से कार्यक्रम देखेंगे, पटाखे का तमाशा होगा। हाँ तो देखिए सभी लोग खड़े हो जाए, जो घर तो होना पड़ेगा क्योंकि रावण का पुतला जलेगा और यहाँ पर युद्ध होगा बीच में। युद्ध होते होते रावण के पुतले तक जाएगा, वहाँ रावण को अग्नि दी जाएगी, थोड़े सभी बीच में रास्ते बंद करेंगे। के पास
टूटा है। बहुत बड़ा पंडित था, बहुत वेदों का ज्ञाता था, जिसने सभी देवी देवताओं को अपने में था। लेकिन देखिए भाइयों बहनों, युद्ध होता जा रहा है और अभी रावण का पुतला
थी, प्यारी थी, प्यारी थी, प्यारी थी।